अपना दल की नेता के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चल रही कमेरा जनचेतना पदयात्रा आज महोबा पहुंची। पदयात्रा का शहर के परमानंद चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर 17 अक्टूबर से झांसी से आरंभ हुई कमेरा जनचेतना पदयात्रा आज महोबा पहुंची। किसान, मजदूर व बेरोजगार और कमेरा समाज को उनका हक दिलाने के लिए यह पदयात्रा निकाली गई है। 2200 किलोमीटर चलकर 7 जनवरी को लखनऊ में यह पदयात्रा समाप्त होगी। कमेरा जनचेतना पदयात्रा का नेतृत्व अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल कर रही हैं। इस पदयात्रा में उनके साथ पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी की भागीदारी के साथ साथ राजनीतिक दल जन अधिकार पार्टी, सुभा सपा पार्टी के लोग भी शामिल हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य किसानों, बेरोजगारों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों सहित आम जनों में जन चेतना लाना है। यात्रा का नेतृत्व कर रही अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने बताया कि यह यात्रा गांव शहरों की गलियों में पहुंचकर सामाजिक चेतना चलाने की काम कर रही है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जो अपना दल के संस्थापक थे, उन्होंने इस देश में कामगार, मेहनतकश, मजदूर, किसान समाज को एक नाम दिया था, कमेरा, और उनकी 11वीं पुण्यतिथि 17 अक्टूबर को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय गयादीन अनुरागी जी, पल्लवी पटेल अपना दल से, जन अधिकार पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा जी, ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा पार्टी से, हम सब ने मिल करके उनकी विचारधारा के नाम पर कमेरा चेतना पदयात्रा की शुरुआत 17 अक्टूबर को झांसी के इलाइट चौराहे से की है, जो लगभग 21 जनपदों से होती हुई 2200 किलोमीटर का फासला तय करती हुई लखनऊ में 7 जनवरी के आसपास समाप्त होगी। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।